She seeks respected Prime Minister's viewpoints on certain issues. Could we have the question, please? Honorable Prime Minister, sir, Namaskar. I'm K. Divya of Class 10 from Government Model Senior Secondary School, Andaman and Nicobar Islands. My question to you is, what should be the role of modern technology in a student's life? Question comes from Deepesh Rai, a student of Class 12 of Namji Senior Secondary School, South Sikkim, and has traveled all the way from Sikkim to be here with us in the audience to ask his question. Deepesh, apna prashna poochiye. Good morning, everyone. Honorable Prime Minister, my name is Deepesh Rai, studying in Class 12 from Namji Senior Secondary School, Sikkim. So my question is that many children in the world are using educational technology to learn better. So how can it help us? Dhanyavad Deepesh. Mahoday, Divya va Deepesh janna chahte hain ki vigyan aur technology chhatra jeevan mein kis prakar sahayak ho sakte hain. Kripya margdarshan karein. Ye technology hai, main kya karun? Aane nahi dena chahiye. Ab technology aayi to meri puri zindagi barbaad ho jayegi. Main pehle to aise sochta tha, aise karta tha. Ab nayi cheez aayi, main kaise cope up karunga? Ji nahi, टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने हैं. बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो. तीसरा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में छटाके मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता है कि दुनिया में ये हो रहा है, कैमरा ऐसा निकला है, मोबाइल फोन ऐसा निकला है? नहीं. जब मैं टेक्नोलॉजी के विषय में जानता हूं तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा. क्या मैं टेक्नोलॉजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी मेरा समय खा जाएगी? ज्यादातर अनुभव ये आ रहा है कि कईयों का समय टेक्नोलॉजी चोरी कर लेती है. आप में से कितने हैं जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं? बताइए ना, संकोच मत कीजिए, आपके टीचर नहीं देख रहे. अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है. और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ दादा दादी इनके साथ अगर बिता, 10 मिनट में कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उसमें से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक? उपकारक क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए. हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा. और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति, और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है. वहां पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन का पूछने के लिए जाते हैं. लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है. लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे. हैं, 20 नंबर 30 नंबर खड़ा रहूंगा, ऊपर देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं. मेरे सवाल का जवाब वहां है, वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट. लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूं, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि किसी को
मैसेज करेंगे, फिर फोन करके पूछेंगे मेरा मैसेज मिला। और इसलिए टेक्नोलॉजी का हम आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है कौन सी नहीं है, वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते ही नहीं करते, मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तयार नहीं जब तक पूछता नहीं है, आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है मैं इसको पूछूंगा वो, और जो कहेगा वही सही है। इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। मैं आपसे आग्रह करूं, जैसे वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कभी हम अपनी मातृभाषा की डिक्शनरी या किसी अन्य एक भाषा की डिक्शनरी, जो भी आपको पसंद आए, अंग्रेजी करना है अंग्रेजी, क्या डेली अपने मोबाइल फोन में जो डिक्शनरी है तय करेंगे कि आज मैं कम से कम 10 नए स्पेलिंग और उसका मीनिंग दिन भर में जब भी जाऊं मोबाइल फोन निकाल करके देख लूंगा, याद कर लूंगा पर डे 10। बोलिए टेक्नोलॉजी उपयोगी हुई कि नहीं हुई? तो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मां बाप के और आपका झगड़ा इस बात पे हो कि दिन भर दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे रहते हो, तो ये तो ठीक से नहीं है। किसी समय सोशल नेटवर्किंग ये बहुत आवश्यक माना जाता था, रोज लोग एक घंटा दो घंटा शाम को निकलते थे, किसी फंक्शन में जाएंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे, मिलते रहते थे। क्यों? कि जीवन समाज व्यवस्था से जितना ज्यादा जुड़ करके रहता है उतना दोनों पक्ष में लाभ होता है, ये स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। आप पहले हम अपने दोस्त को जन्मदिन है तो सुबह चले जाते थे, जरा सरप्राइज देने का मजा आता था, अब क्या रात को 12 बजे भी टेक्नोलॉजी को बता करके देते हो, टेक्नोलॉजी ही व्हाट्सएप कर देती है, मैं सो जाता हूं। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है जी, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए, समय निकाल करके चोरों को पूछना चाहिए क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, इसकी भी रुचि विद्यार्थी काल में हमने डेवलप करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं व्यक्ति के जीवन में कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा, टेक्नोलॉजी में मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन जानने का शौक रहा क्या है, किसी किसी को सुनता हूं तो पुत्र पूछता हूं, हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूं, लेकिन पहले जहाज में जब जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो पूछता था, अरे भाई ये क्या चीज है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है, 2 काम आप कर सकते हैं क्या,
करेंगे करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे पर डे, इतना समय मेरा, एक घंटा दो घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा, पर डे एक घंटा दो घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर। क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये एक घंटा मैं तय करूं, नो टेक्नोलॉजी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में दो तीन कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दो तीन कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं मां बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री? उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी बैठेंगे। आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्म्य भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए इसकी भी चिंता करता हूं, और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं।